भूमि लोग बाग भूमि पेंडेगा को भूल जाते हैं, किरदार साथ ले जाते हैं, ये मैं मानता हूँ। थैंक यू। और किस बिना पे चुनती हैं फिल्में? सर कोई फॉर्मूला नहीं है, जब स्क्रिप्ट सुनती हूँ तो ऐसे मन करता है कि ये किरदार ना मैं प्ले करना चाहती हूँ, अगर मैं इस कहानी का हिस्सा नहीं बनी तो एक लॉस, एक फीलिंग ऑफ लॉस आती है, जैसे ही वो फीलिंग ऑफ लॉस आती है मुझे लगता है मुझे एक करना है। मज़ा आता है खुद को चैलेंज करते हुए, पहली फिल्म से ही कोशिश यही रही है। बहुत लकी फील करती हूँ कि मुझे ऐसे मौके मिले हैं, कई बार एक्टर्स को मिलते नहीं हैं ऐसे मौके, और कोशिश यही रहेगी कि आगे भी एक्सपेरिमेंट करते रहूँ, लोगों को ऐसे किरदार देते रहूँ जो उन्हें याद रहे। भूमि, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों की, मैं आयुष्मान और आपकी बात करता हूँ, आई मेट यार आयुष्मान डे बिफोर रीसेट कि दम लगा के हईशा वॉज अ लाइफ सेवर फिल्म फॉर एंड यू आर द वन हु स्टार्टेड द जर्नी ऑफ इन द इंडस्ट्री। व्हाट्स योर, आई थिंक हम दोनों के लिए दम लगा के हईशा एक लाइफ चेंजिंग फिल्म थी, क्योंकि मेरी तो पहली फिल्म थी और बहुत ही मतलब ऐसी फिल्म थी जहाँ पे मतलब मुझे ये नहीं पता था हो सकता है लोग मेरे पास, हो सकता है उस फिल्म के बाद कभी करियर ही ना हो, और आयुष्मान के लिए भी एक बहुत स्पेशल फिल्म थी, तो लाइफ चेंजिंग मोमेंट तो डेफिनेटली हम दोनों के लिए सेम है, इसलिए आयुष्मान हमेशा बहुत स्पेशल रहेगा मेरे लिए, क्योंकि हम दोनों कितने स्पेशल जर्नी का हिस्सा बने। फिर हमने साथ शुभ मंगल सावधान करी, अब बाला कर रहे हैं, और इससे बेटर फिल्म नहीं हो सकती थी हमारे लिए कि हम रिकोलैबरेट करें। बहुत ही सिंपल फिल्म है, एक ऑनेस्ट फिल्म है, एक ऐसी फिल्म है जो बहुत अलग अलग प्रकार के इमोशन आपके अंदर लाती है, और हम दोनों बहुत ही अलग दिख रहे हैं इस फिल्म में ऑफ कोर्स, एंड हम दोनों की केमिस्ट्री बहुत अलग है इस फिल्म में। यूजुअली मैं आयुष्मान रोम कॉम्स करते हैं, यू नो लव स्टोरीज़ करते हैं विद अ ट्विस्ट, और इस बार हम दोनों इन अ वेरी टिपिकल वे रोमांटिकली एक दूसरे के साथ नहीं है, लेकिन इसलिए मैंने ये फिल्म करी कि मैंने कहा यार हम इतना मज़ा आता है एक दूसरे के साथ काम करके, कुछ अलग काम करके देखते हैं कैसा लगता है। साथ साथ मुझे ये भी लगता है कि ये कहीं यू नो जब हम ट्रेलर देखते हैं और आपका वो थोड़ा सा बहुत जी बहुत कम दिखते हैं जी, क्योंकि मुझे लगता है कि एक इमोशनल एंगल है दोनों किरदारों के बीच में कि भाई मैं काला हूँ तो मुझे सिंपैथी दे, मैं और तेरे बाल नहीं है मैं तुझे हमदर्दी देता हूँ। बहुत ही इसलिए पता है, देखिए ट्रेलर में ज़्यादा मेरा किरदार खोला नहीं है, क्योंकि जब फिल्म खुलेगी तब लोगों को समझ आएगा क्यों, एक बहुत ही टॉम एंड जेरी रिलेशनशिप है हमारी। इट मींस यू आर सेइंग द सरप्राइज योर कैरेक्टर विद द सरप्राइज पैकेज ऑफ द आई डोंट नो, यू विल हैव टू वॉच द फिल्म, बट आई वुड से दैट मोस्ट ऑफ माई कैरेक्टर सरप्राइज पीपल। सो ओके, वॉट मैसेज डू यू वॉन्ट टू गिव टू द ऑडियंस, बिकॉज सलोनी वहाँ से इशारे कर रही है। ये करना था हमेशा से, देखिए बात ये है कि अपने रियल लाइफ में तो मैं वही लड़की हूँ, मैं एक बॉम्बे की पली बड़ी लड़की हूँ, रियल लाइफ में मैं जो किरदार प्ले करती हूँ उनसे बहुत अलग हूँ, इसलिए मुझे किरदार प्ले करने में मज़ा आता है। मेरे लिए एक ग्लैमरस रेगुलर इंग्लिश स्पीकिंग अर्बन लड़की प्ले करना बहुत आसान है, उसमें मेरे लिए मेहनत नहीं है। मैं आज तक कभी हार्टलैंड इंडिया में गई नहीं हूँ, मैंने आज तक जो एक सिंपल विलेज लाइफ जो होती है वो मैंने कभी देखी नहीं है, तो जब मुझे अपने किरदारों के थ्रू वो करने का मौका मिलता है मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, उसमें मुझे मज़ा आता है। और पति पत्नी और वो में मेरा कैरेक्टर ही ऐसा, वो है ग्लैमरस, वो है लखनऊ, मतलब जो उसका इको सिस्टम है उसके हिसाब से बहुत हॉट लड़की है वो, तो प्रमोशंस में भी मुझे मौका मिला तो मैंने कहा आप चैनलाइज करते हैं वेदिका त्रिपाठी को, तो थैंक यू। मन को शांति मिली ग्लैमरस अवतार में था कि? हाँ मन नहीं यार, असली मन को शांति तो जब आप कोई ऐसा किरदार करते हैं ना जैसे मैं बाला में कर रही हूँ या सांड की आँख में कर रही हूँ, कैरेक्टर मन की शांति को देता है, कैरेक्टर के वस्त्र नहीं देते। थैंक यू सो मच भूमि। I'm sorry. I'm done. Thank you. Thank you.